Myself, Dr. Manju Meena, Associate Professor, Department of Political Science, MS Girls College, Bikaner. अपने पेपर का नाम है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक. BA पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर है. पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों को शुरू करने से पहले हमें राजनीतिक विचार क्या होते हैं इसको समझना आवश्यक है. हम अपने इस पेपर में वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर अर्थात पश्चिमी राजनीतिक विचारकों ने अपने कौन कौन से विचार राजनीतिक क्षेत्र में दिए उनके बारे में अपने को अध्ययन करना है. यद्यपि राजनीति शास्त्र उतना ही प्राचीन है जितना कि राज्य. राज्य के अस्तित्व में आते ही लोगों ने राज्य के विभिन्न पहलुओं पर सोचना आरंभ कर दिया था और इसी से ही राजनीति का विकास हुआ. लेकिन पाश्चात्य राजनीतिक विचारक जितने भी हुए हैं उन्हें थोड़ा इजी वे में समझने के लिए हम उन्हें तीन भागों में विभाजित करते हैं. प्रथम जो विचारक हैं जिनको कि हम प्राचीन विचारकों के नाम से जानते हैं और राजनीतिक चिंतन की शुरुआत करने में या राजनीतिक चिंतन के संबंध में सर्वप्रथम विचार देने का जो कार्य है वह इन्हीं विचारकों के द्वारा किया गया जिनमें सुकरात, प्लेटो और अरस्तु. इन तीनों का नाम हम मुख्यतः लेते हैं. ये सभी विचारक जो है यूनान से संबंधित थे. यूनान उस समय छोटे छोटे नगर राज्यों में विभक्त था और उन्हीं में से एक छोटा सा नगर राज्य था एथेंस. उस एथेंस से ये तीनों ही विचारक जो हैं जुड़े हुए थे. तीनों यूनानी विचारक हैं, एथेंस से संबंधित थे. तीनों एक दूसरे के गुरु और शिष्य थे. सबसे पहले विचारक जो है सुकरात हुए. यद्यपि सुकरात के विचार हमें व्यवस्थित रूप से प्राप्त नहीं होते हैं, व्यवस्थित रूप से और लिखित रूप में प्राप्त नहीं होते हैं और इसीलिए हम राजनीतिक चिंतन की शुरुआत करने वाले विचारकों में सुकरात को नहीं लेकर के प्लेटो को लेते हैं. परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि सुकरात का राजनीतिक चिंतन में कोई योगदान नहीं है. आप लोगों का जो सिलेबस है उसमें जो फर्स्ट जो थिंकर हैं वह प्लेटो हैं. लेकिन प्लेटो को समझने के लिए हमें सुकरात को समझना जरूरी है. सुकरात ने राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में संवाद की पद्धति को अपनाया. एक और जो महत्वपूर्ण बात है, इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि सुकरात, प्लेटो और अरस्तु तीनों ही विचारक जो है चिंतन के क्षेत्र में तर्क को, विवेक को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं. उन्होंने कोई भी विचार बिना सोचे समझे, बिना चिंतन के, बिना किसी तरह के अन्वेषण के प्रस्तुत नहीं किया. उन्होंने उसके पीछे एक सॉलिड लॉजिक जो है वो प्रस्तुत किया है और इसीलिए हम यह कहते हैं कि यूनानी राजनीतिक चिंतन जो है वह तर्क पर आधारित है, बुद्धि पर आधारित है. तो इनमें से जो प्रथम विचारक हैं सुकरात, उन्होंने अपने अध्ययन की संवाद की पद्धति को अपनाया. अर्थात वह भीड़ में जाते थे और लोगों से क्वेश्चन जो है पुट अप करते थे और उनका आंसर देने के लिए व्यक्तियों को प्रेरित करते थे. और इसके पीछे उनका मेन मकसद ये था कि व्यक्ति जो है अपनी स्वयं की बुद्धि के आधार पर निर्णय ले, किसी दूसरे की
अंधानुकरण या दूसरे का बिना सोचे समझे अनुसरण करने के बजाय अपने स्वयं की बुद्धि और तर्कशीलता को काम में लेते हुए उस क्वेश्चन का आंसर दें। लेकिन उस समय के जो एथेंस की शासन व्यवस्था में सम्मिलित व्यक्ति थे, वह इसको गलत वे में प्रस्तुत करते हैं और वहाँ के राजा को ये कहा जाता है कि सुकरात सामान्य जनता को आपके विरुद्ध भड़काने का कार्य कर रहा है और उन्हें 399 ईसा पूर्व में विषपान जो है करवा दिया जाता है। तो ये जो घटना हुई, क्योंकि प्लेटो जो है सुकरात का शिष्य था और वह राज परिवार से संबंधित था और राज परिवार से संबंधित होने के कारण से राजनीति में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, राजनीति में वो जाना चाहता था, लेकिन अपने गुरु को विषपान करवाने की घटना प्लेटो को विचलित कर देती है और वह इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यदि हम राज्य से अव्यवस्था, अराजकता, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, अनाचार को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इस बात के लिए एफर्ट्स करने होंगे कि शासन सत्ता जो है वह ऐसे व्यक्तियों के हाथ में हो जिनमें की विवेक हो, जिनमें की बुद्धि हो, जो कि इस सांसारिक मोह माया से मुक्त हो और निस्वार्थ भाव से सामान्य जनता की सेवा करने वाले हों, धन के प्रति उनके मन में बिल्कुल भी लालसा नहीं हो। तो इससे एक बात निकल कर के आती है कि प्रत्येक विचारक जो है अपने समय की परिस्थितियों से, अपने समय के वातावरण से, उसका जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो परिवेश है उससे प्रभावित होता है, उसके जो विचार हैं उसके अनुसार बनते और बिगड़ते हैं। 399 से पहले 399 ईसा पूर्व से पहले प्लेटो जो है राजनीति में जाना चाहते थे, लेकिन अपने गुरु को विषपान करवाने की घटना उन्हें राजनीति से पूरी तरीके से विमुख कर देती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि प्राचीन विचारक जिनमें हम सुकरात, प्लेटो और अरस्तु को लेते हैं जो कि यूनान से संबंधित थे, इन तीनों ही विचारकों ने अपने विचार जो हैं तर्क और बुद्धि पर आधारित किए, उसके आधार पर ही प्रस्तुत किए और वो ये चाहते थे कि सामान्य जनता भी अपनी बुद्धि को कार्य लेते हुए प्रत्येक निर्णय करे, प्रत्येक बात को स्वीकार और अस्वीकार करे। लेकिन जब हम यूनानी चिंतकों से बाहर निकलते हैं और जब हम मध्यकालीन विचारकों की बात करते हैं तो मध्यकाल में यूनान में धर्म का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। ईसाई धर्म अपनी चरम सीमा पर था, उसका प्रचार और प्रसार करने वाले जो विचारक हैं उनका ये प्रयास था कि ईसाई धर्म को सर्वोच्चता प्रदान की जाए और ऐसे वातावरण में जो भी विचारक हुए उन्होंने ईसाई धर्म का समर्थन करते हुए, उसकी सर्वोच्चता को स्थापित करते हुए अपने विचार देने के प्रयास किए। और इन मध्यकालीन विचारकों में हम मुख्यतः संत ऑगस्टाइन, पोप ग्रेगरी सप्तम, थॉमस एक्विनास का नाम जो है वो लेते हैं। लेकिन अपने मध्य युग के जो अंतिम विचारक हैं थॉमस एक्विनास, उनके समय तक आते आते ईसाई धर्म का प्रभाव जो है धीरे धीरे कम होने लगा था और अरस्तु और प्लेटो के जो तर्क प्रधान और विवेक प्रधान जो विचार थे वो सामान्य जनता के सम्मुख आने लगे थे, क्योंकि पोप और पादरी वर्ग ने ईसाई धर्म के नाम पर सामान्य जनता में बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ और उनको भ्रमित कर रखा था और सामान्य जनता, और उसी समय जब धर्म सुधार आंदोलन होता है, पुनर्जागरण का आंदोलन होता है,
उसके कारण से सामान्य जनता के ये समझ में आ जाती है कि वास्तव में ईसाई धर्म वह नहीं है जो कि पोप और पादरी वर्ग के द्वारा बताया जा रहा है। जबकि पोप और पादरी वर्ग के द्वारा तो यहाँ तक कहा जा रहा था कि आप पाप मुक्ति मोचन पत्र, एक कागज़ का टुकड़ा जो है, कुछ पैसों में वो खरीदिए और आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि वह सिर्फ जनता को भ्रमित करके या धर्म रूपी जो आवरण था उनके दिमाग पर के डाल करके और वो ऐसो आराम का जीवन जो है वो व्यतीत करना चाहते थे। क्योंकि धर्म रूपी जो आवरण है वो सामान्य जनता के दिमाग पर इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि उसके अलावा व्यक्ति कुछ भी सोचना और समझना नहीं चाहता है। उसका विवेक जो है नष्ट हो जाता है, उसकी बुद्धि जो है वो नष्ट हो जाती है, और उसे पोप और पादरी वर्ग के द्वारा जो कहा जा रहा था उसी बात को वो एज इट इज जो है स्वीकार कर रहे थे। लेकिन थॉमस एक्विनास के आते आते जब धर्म सुधार, पुनर्जागरण, सापेखाने का आविष्कार, ये सब घटनाएं घटित होती हैं, तो उस समय सामान्य जनता की ये समझ में आती है कि वास्तव में ईसाई धर्म वह नहीं है जो कि पोप और पादरी वर्ग के द्वारा बताया जा रहा है। और ऐसे समय में थॉमस एक्विनास, जो कि ईसाई धर्म से प्रभावित थे, वह भी अन्य मध्यकालीन विचारकों की तरह से ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करना चाहते थे। लेकिन उनकी ये बात समझ में आ गई थी कि अगर मैंने, क्योंकि उस समय का वातावरण ऐसा नहीं था, जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को बताया कि प्रत्येक विचारक, यहाँ तक कि प्रत्येक सामान्य व्यक्ति भी अपने चारों तरफ के जो परिवेश है, उसका जो वातावरण है, उससे प्रभावित होता है, उससे वो अछूता नहीं रह सकता है। तो थॉमस एक्विनास के ये बात समझ में आ गई थी कि अगर इस समय मैं सिर्फ ईसाई धर्म के विचारों को ही प्रस्तुत करने का कार्य करता हूँ तो सामान्य जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी। और इसलिए थॉमस एक्विनास ने क्या किया कि अपने ईसाई धर्म से संबंधित विचारों के साथ में अरस्तु के जो विवेक प्रधान विचार थे, जो विवेक पर आधारित, तर्क और बुद्धि पर आधारित जो विचार थे, उनको मिला करके और प्रस्तुत करने की कोशिश की। और उसको मिलाने के बाद ही थॉमस एक्विनास के द्वारा क्या किया गया, सर्वोच्चता जो है ईसाई धर्म को प्रदान की। उन्होंने कहा कि राज्य आवश्यक है, लेकिन हमारे परलोक को सुधारने के लिए, क्योंकि मध्यकालीन जितने भी विचारक हैं वो क्या कहते हैं कि दो प्रकार के जगत होते हैं, एक तो इहलोक और एक परलोक। इहलोक को राजा जो है संचालित करता है, मतलब इस जगत में हमें जो सुख सुविधाएं चाहिए, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति जो है राजा करता है, और पारलौकिक जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाने के लिए हमें ईसाई धर्म की आवश्यकता है। जबकि थॉमस एक्विनास से पहले के जो विचारक हैं वह क्या कहते हैं कि हमें अपने दूसरे जगत को, यानी कि परलोक को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उस समय धर्म का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, और इसी कारण से उनके द्वारा ये विचार कहे जाते थे। सामान्य जनता के दिमाग के ऊपर धर्म रूपी आवरण जो है इतना ज़्यादा चढ़ा हुआ था कि वो इस बात को मतलब कि इसके विपरीत कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, उनके ऊपर धर्म रूपी आवरण इतना ज़्यादा छाया हुआ था। जबकि यूनानी विचारक जो हैं, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये तीनों विचारक क्या कहते हैं कि जो कुछ भी है इस जगत में है, मनुष्य इस जगत को सुखमय बनाने का प्रयास करता है, उसकी ये कोशिश रहती है कि हम अपने इस जीवन को किस तरीके से सुधार सकते हैं, हम इस जन्म में अच्छे तरीके से कैसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। वो परलोक में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि वो धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं, धर्म को वो स्वीकार नहीं करते हैं, और इसीलिए वो दूसरे जगत की बात नहीं करते हैं। दूसरे जगत की बात कौन करते हैं, मध्यकालीन विचारक जो कि ईसाई धर्म से प्रभावित हैं, और इसी कारण से वो कहते हैं कि हमें अपने दूसरे जीवन को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरे जीवन को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, ईसाई धर्म की, यानी कि पोप और पादरी वर्ग की, वही हमें स्वर्ग की प्राप्ति जो है वो करवा सकते हैं। तो इस तरीके का जो माहौल था उसमें
सभी मध्यकालीन विचारकों ने सिर्फ ईसाई धर्म को सर्वोच्चता देने की कोशिश की, लेकिन थॉमस एक्विनास तक आते आते परिस्थितियां बिल्कुल पलट जाती हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिसकी वजह से व्यक्तियों के दिमाग से धर्म का आवरण जो है वो हटने लगता है और वो तर्क और बुद्धि के आधार पर सोचने लगते हैं, वैज्ञानिकता का विकास उनके अंदर होने लगता है। और ऐसे समय में अपने विचारों को व्यक्तियों में बनाए रखने के लिए थॉमस एक्विनास ने ईसाई धर्म और अरस्तु के विचारों को मिला करके प्रस्तुत करने की कोशिश की। सॉरी, इसीलिए हम थॉमस एक्विनास को महान समन्वयकारी विचार, मध्य युग का अरस्तु और अंतिम मध्यकालीन विचारक के रूप में भी जानते हैं। मध्य युग का अरस्तु या समन्वयकारी विचारक हम किस वे में उसको कहते हैं कि थॉमस एक्विनास ने पते कि 3rd शताब्दी ईसा पूर्व के जो अरस्तु हैं उस समय उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, जो कि और ये 11वीं-12वीं शताब्दी के विचारक हैं अपने थॉमस एक्विनास। इतने लंबे समय तक जो अरस्तु के विचार छिपे रहे उन विचारों को सामान्य जनता के सम्मुख लाने की कोशिश की। यद्यपि उस समय उनकी मजबूरी थी अरस्तु के साथ अपने विचारों को प्रस्तुत करने की, लेकिन इनके माध्यम से एक अच्छा कार्य या एक अच्छी बात क्या हुई कि उसके माध्यम से अरस्तु के जो छिपे हुए विचार थे वह भी सामान्य जनता के सम्मुख आ गए। जबकि हम अरस्तु को राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में मानते हैं, अरस्तु राजनीति विज्ञान के पिता हैं क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में व्यवस्थित ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से, तुलनात्मक दृष्टि से अपने विचारों को देने की कोशिश की। उन्होंने प्लेटो की भांति अपने उद्देश्य को पहले निश्चित नहीं किया। प्लेटो ने यह सोच लिया कि मेरे को एक आदर्श राज्य स्थापित करना है और उस आदर्श राज्य को स्थापित करने के लिए कौन कौन से साधन मुझे चाहिए, कौन कौन से सिद्धांत मुझे चाहिए, ये उन्होंने बाद में देखने की कोशिश की। जबकि अरस्तु जो है उन्होंने 158 संविधानों का उस समय तुलनात्मक अध्ययन किया और जो भी विचार उन्होंने प्रस्तुत किए उसके पीछे तर्क था, रीजन था, वैज्ञानिकता थी और साथ साथ में यथार्थवादिता और व्यवहारिकता थी। उस समय उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में, राज्य के संबंध में, यह संविधान के संबंध में, सरकार के संबंध में, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों के संबंध में, साथ ही साथ में अपनी क्रांति के संबंध में जो भी सिद्धांत प्रस्तुत किए वो सभी सिद्धांत जो है व्यवहारिक हैं और आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, आज भी उतने ही व्यवहारिक हैं जितने कि उस समय थे। और इसीलिए हम जितने भी विचारक हुए हैं उन सभी विचारकों में, पाश्चात्य जगत के विचारकों में अरस्तु को हम राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में स्वीकार करते हैं। मध्यकालीन विचारकों के पश्चात तीसरे जो विचारक आते हैं वह हैं आधुनिक विचारक। आधुनिक युग की शुरुआत जो है हम मैकियावेली से मानते हैं। मैकियावेली जिन्होंने अपने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी द प्रिंस, यद्यपि सभी विचारकों ने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों की और बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है और उन्हीं में उन्होंने अपने सभी विचार जो है देने की कोशिश की है। तो आधुनिक युग की शुरुआत जो है हम मैकियावेली से मानते हैं। मैकियावेली ऐसा पहला विचारक है जिसने की शक्ति को महत्वपूर्ण माना, कि प्रत्येक राज्य जो है वो शक्ति को प्राप्त करना चाहता है और यही एक आधुनिक सिद्धांत है जिसको कि आगे चलकर मार्गेंटो ने बहुत अधिक स्पष्ट किया और उन्होंने ये बताया कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। प्रत्येक राज्य, प्रत्येक राष्ट्र शक्ति को प्राप्त करना चाहता है और शक्ति को अपने पास में बनाए रखना चाहता है, अर्थात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। तो मैकियावेली जो है ऐसा प्रथम आधुनिक विचारक है जिससे कि आधुनिक युग की शुरुआत जो है वो मानी जाती है। और मैकियावेली ही ऐसा विचारक है
यद्यपि सभी विचारक जो है अपने समय की परिस्थितियों से बहुत अधिक जो है प्रभावित होते हैं, लेकिन मैकियावेली ऐसा विचारक है जो कि अपने समय की परिस्थितियों से बहुत अधिक प्रभावित था। मतलब कि उसकी जो परिस्थितियाँ थी उसने उसके चिंतन को बहुत अधिक प्रभावित किया, और उसी के आधार पर उसने व्यवहारिक जो सिद्धांत है, शक्ति का सिद्धांत जो है, अर्थात प्रत्येक राजा को अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए शक्ति को प्राप्त करने की कोशिश को करनी चाहिए। अगर किसी भी राजा के पास में शक्ति है तो वह अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। और इसके बाद के जो आधुनिक विचारक हैं उनमें हम हॉब्स लॉक रूसो का नाम लेते हैं, जिन्होंने कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया। क्योंकि राजनीति विज्ञान में हम राज्य के संबंध में, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य के कार्य क्या हैं, राज्य के सिद्धांत क्या हैं, राज्य किसके माध्यम से चलता है, अर्थात सरकार के माध्यम से, क्योंकि राज्य तो एक अमूर्त संस्था है, राज्य को हम किसके माध्यम से देखते हैं, सरकार के माध्यम से देखते हैं। तो सरकार क्या होती है, सरकार के प्रकार क्या होते हैं, राज्य की शासन व्यवस्था किसके आधार पर संचालित होती है, संविधान क्या होता है, संविधान कितने प्रकार के होते हैं, नागरिकता क्या होती है, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन जो है हम राजनीति विज्ञान में करते हैं। क्योंकि व्यक्ति के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान जो होता है वो राज्य का होता है, जैसा कि अरस्तु ने कहा भी है, सभी यूनानी विचारक ये मानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य समाज में रहना चाहता है, क्योंकि समाज में रहकर ही उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। अगर कोई समाज में नहीं रहता है तो वह या तो जानवर हो सकता है या ईश्वर हो सकता है। सामान्य व्यक्ति जो है वो समाज से अलग रह करके अपना जीवन जो है यापन नहीं कर सकता है, और इसीलिए हमें समाज की आवश्यकता होती है। लेकिन समाज के पास जो है शक्ति नहीं होती है, सत्ता नहीं होती है। व्यक्ति राज्य की सदस्यता किस लिए प्राप्त करता है, कि राज्य में रह करके अपनी वो सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, उसके अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं, वह अपने आप को सुरक्षित रख सकता है, अपनी संपत्ति को सुरक्षित रख सकता है, क्योंकि राज्य के पास में शक्ति होती है। व्यक्ति अपना सामाजिक विकास करना चाहता है, आर्थिक विकास करना चाहता है, सांस्कृतिक नैतिक अपने सभी पक्षों का वो विकास करना चाहता है, लेकिन इन सभी पक्षों का विकास वो कब कर सकता है, जब वो राज्य का सदस्य होता है। क्योंकि राज्य के पास ही वह शक्ति होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सकता है। और प्रत्येक व्यक्ति का ये उद्देश्य होता है कि वह अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करे, और वह राज्य जैसे संस्था में रहकर ही हो सकता है, क्योंकि राज्य के पास में कानून की शक्ति होती है, और कानून की शक्ति के माध्यम से ही समाज में व्यवस्था को स्थापित किया जा सकता है। आर्थिक संस्थाएँ सिर्फ व्यक्ति के आर्थिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं, सामाजिक संस्थाएं सिर्फ व्यक्ति के सामाजिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन राज्य एक ऐसी संस्था है जो अन्य समुदायों से सर्वोपरि है, चाहे वो सामाजिक समुदाय हो, आर्थिक है, चाहे वो नैतिक हो, सांस्कृतिक हो, जितने भी समुदाय हैं उन सभी समुदायों में सर्वोच्च समुदाय होता है, क्योंकि वह इन सभी समुदायों को वह सुरक्षा प्रदान करता है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने सभी पक्षों का विकास जो है वो कर सके, क्योंकि इनके पास में शक्ति होती है, राज्य के पास में शक्ति होती है, कानून की शक्ति होती है, और उसके माध्यम से वह सभी व्यक्तियों को वह सुविधाएं वह अवसर प्रदान करता है जिससे कि सभी व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें, अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा जो है कर सकें। क्योंकि राज्य के पास जो शक्ति होती है वो दंड के ऊपर आधारित होती है, और इसीलिए हम राज्य को एक समुदायों का समुदाय या सर्वोपरि समुदाय जो है वो मान करके चलते हैं। तो ये जितने भी पाश्चात्य विचारक हैं इन सभी विचारकों ने
अलग अलग विचार जो है वो प्रस्तुत किए हैं। यूनानी विचारक जो है अलग विचार प्रस्तुत करते हैं, मध्यकालीन विचारक अलग विचार प्रस्तुत करते हैं, और आधुनिक विचारक जो है वो अलग विचार जो है वो प्रस्तुत करते हैं। तो अपना जो पेपर है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, उसका जो पहला विचारक है वह है प्लेटो। और जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि प्लेटो को समझने से पहले हमें उनके गुरु सुकरात के बारे में थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि सुकरात की प्लेटो के ऊपर एक महत्वपूर्ण जो है प्रभाव था, या यूँ कहीं बहुत बड़ी जो है छाप थी जिसने कि प्लेटो को बहुत अधिक जो है प्रभावित किया। इसलिए हमें सुकरात को पहले समझना होगा।